स्टूडेंट, पिछले क्लास में आपको हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर और सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, पॉजिटिव ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर, इनकी डेफिनेशन बताई थी। आज अपन एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम है, उसका आधा पार्ट आज करेंगे, आधा कल करेंगे। थ्योरम आपकी है कि लेट H1 एंड H2 B2 हिल्बर्ट स्पेस और K एंड T H1 इंटू H2 बी ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ऑपरेटर then there exist a unique bounded linear operator T star from H2 say H1 H2 से H1 such that inner multiplication of TXY equal to inner multiplication of XT star Y for all X elements of H1, Y elements of H2। और साथ में आपको दिखाना है कि norm of T star इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। ये भी पूछ लेते हैं और यह भी पूछ लेते हैं कि नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। तो इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट अपन देखेंगे कि इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स वाई, ये आपका इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स वाई है, ये क्या चीज है? ये आपका स्केलर वैल्यूड कंटिन्यूस लीनियर फंक्शन है। ये अपन यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो अपन फर्स्ट अपन ले लें कि फॉर ईच फिक्स्ड एलिमेंट्स वाई एलिमेंट्स ऑफ H2 लेट FYX इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ TXY फॉर ऑल X एलिमेंट्स ऑफ H1 फॉर ऑल X एलिमेंट्स ऑफ H1 वेर FY ये आपका फंक्शन है, क्योंकि X H1 का एलिमेंट्स है तो ये H1 से इनर मल्टीप्लीकेशन है, वो स्केलर वैल्यूड स्केलर होता है, तो ये K में डिफाइन FY है। इज ए फंक्शनल ऑन H1, ये सबसे तो पहले अपन ये FYX इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ TXY की तरह डिफाइन किया, देखेंगे ये फंक्शनल है ऑन H1। फंक्शनल है तो मीन्स बाउंडेड और लीनियर है। तो वी विल शो दैट FY है इज बाउंडेड। ये अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए राइज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है उसको यूज करना है। तो FY को आपको बाउंडेड और लीनियर दिखाना है, तो फर्स्ट अपन लीनियर दिखा दें। तो फॉर
x1 or x2 elements of h1 and alpha and beta are any scalar ya k, then f y alpha x1 plus beta x2 equal to f y आपका जो define किया था इसको number अपन एक कर दें तो y first से आपके पास क्या जाएगा inner multiplication of t alpha x1 plus beta x2 y का inner multiplication y first t आपका है वो bounded linear operator है तो means linear है t तो linear है तो आपका यह जाएगा inner multiplication of alpha t x1 plus beta t x2 y since t is linear transformation yeah linear since t is linear तो ये आ जाएगा inner multiplication के next property से तो alpha inner multiplication of t x1 y plus beta inner multiplication of t x2 y अगेन नंबर एक को यूज करें तो ये आ जाएगा अल्फा एफ वाई एक्स वन प्लस बीटा एफ वाई एक्स टू तो ये इम्प्लाइज कर रहा है एफ वाई इज लीनियर एफ वाई क्या लीनियर है अब अपन देखेंगे एफ वाई बाउंडेड है तो नाउ वी शो दैट दैट एफ वाई इज बाउंडेड क्योंकि अपन यहाँ पर राइज रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं उसको यूज करना चाह रहे हैं इस चरों को प्रूव करने के पहले पार्ट के लिए और वो राइज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है वो क्या थी ठीक ही राइज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम थी उसमें कि यदि एक्स स्टार है बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वेक्टर ए इन एच सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए एंड एक्स स्टार एक्स इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड ए फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ एच इस राइज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम को यूज करके अपन एफ वाई एक्स है इसकी जगह इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स वाई स्टार है वो अपन प्राप्त करेंगे जहाँ नॉर्म ऑफ एफ वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई स्टार हो जाएगा और एफ वाई एक्स है वो इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स वाई की तरह डिफाइन है तो इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स वाई है वो इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स वाई स्टार हो जाएगा और इस वाई स्टार की जगह अपन टी स्टार वाई ले लेंगे तो ये अपने पास पहला पार्ट है वो आपका प्रूफ हो जाएगा तो ये राइज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है उसको यूज करने के लिए अपन ये काम कर रहे हैं तो एफ वाई को आपको बाउंडेड दिखाना है तो सिंस एफ वाई एक्स इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स वाई है बाउंडेड दिखाने के लिए इसके एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ वाई एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स वाई यहाँ पर अपन स्वार्ज इनइक्वालिटी यूज कर लें तो यह जाएगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स वाई बाई स्वार्ज इनइक्वालिटी स्वार्ज इनइक्वालिटी से आपके पास ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स नॉर्म ऑफ वाई टी आपका बाउंडेड है तो अगेन यूज करें तो ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई सिंस T is bounded. T bounded है, so norm of T x
is less than or equal to norm of t, norm of x. इसको अपने यूज किया तो ये आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ वाई एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू दिस. इसको अपन नंबर दो लगा दें क्योंकि अपने को तो देखना है कि एफ नॉर्म ऑफ एफ आई आपका बाउंडेड है, तभी आपको बाउंडेड का पता नहीं लग रहा है. तो इसका नॉर्म ऑफ एफ आई देख लें और उससे अपन एफ आई को बाउंडेड दिखा देंगे. तो नॉर्म ऑफ एफ आई एक्स नॉर्म ऑफ एफ आई ये होता है सुप्रीमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ आई एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन. नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन. तो ये इम्प्लाइज करेगा नॉर्म ऑफ एफ वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ वाई. वाई आपका फिक्स्ड है और टी आपका बाउंडेड है तो एफ वाई क्या आ जाएगा बाउंडेड हो जाएगा. इसको नंबर तीन लगा दें तो ये इम्प्लाइज कर रहा है एफ वाई इज बाउंडेड सिंस वाई इज फिक्स्ड एंड T is bounded. So Fi, hence Fi is bounded and linear function defined on H1. ये आपका बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है ऑन H1. सो बाय राइज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम क्या कहते हैं थ्योरम कि देन there exists a unique element y star नाम दे दें एलिमेंट्स है एच वन का such that f y x equal to inner multiplication of x y star for all x elements of h वन. ये राइज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम कहती है साथ में विथ नॉर्म ऑफ एफ वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई स्टार. नॉर्म ऑफ एफ वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई स्टार इनको अपन अपने नंबर दो और तीन तक लगा दिए, चार नंबर लगा देते हैं इनको. तो अपन ने देखा कि एफ आई क्या चीज था, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है एफ आई मीन्स इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स वाई. कहाँ से वाई फर्स्ट इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स वाई स्टार वाई फर्स्ट. तो अपन देख रहे हैं कि हेंस फॉर ईच फिक्स्ड y elements of H2 there exist y star. इस y star को अपन ले लेंगे y star को t star y ले लें elements है H1 का t star y elements है H1 का such that inner multiplication of txy equal to inner multiplication of x t star y.
इसको नेक्स्ट पांच नंबर लगा दें, चार पांच तो इसको लगाएं, छह लगा देते हैं इसको। अब अपन देखेंगे कि ये तो टी स्टार वाई लिया है, या टी स्टार जो लिया है वो टी स्टार बाउंडेड एंड लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम एच टू से एच वन के लिए। ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।